नमस्ते बच्चों, मैं पूनम श्रीवास्तव आज आप लोग को हिंदी व्याकरण का पाठ थी। पाठ का नाम है मात्राएं और इसमें हम लोग आज जानेंगे वाक्य। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मात्राएं क्या है, मात्राओं के रूप कितने हैं, शब्द क्या है। अब आज जानेंगे हम लोग वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। बहुत सारे शब्द मिला के एक वाक्य बनता है, उससे कोई सही अर्थ निकलता है, उसे ही वाक्य कहते हैं। लड़के दो पढ़ है पुस्तक रहे, यह शब्दों का समूह है लेकिन वाक्य नहीं है। ये शब्द का समूह है लेकिन वाक्य नहीं है, क्योंकि ये गलत है। गलत कैसे है तो इसको हम सही ढंग से सजाकर यहाँ लिखें। दो लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है दो लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, यह सही वाक्य है, इसे हम वाक्य कहेंगे। इससे समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हरी है छात्रावास पटना के में रहता, ये भी शब्द समूह है लेकिन वाक्य नहीं है। इसको सजा कर लिखेंगे ऐसे, हरी पटना के छात्रावास में रहता है, ये वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब जानेंगे शब्द समूह का परिभाषा। शब्द को इस प्रकार रखना जिसमें उसका कोई अर्थ न निकले शब्द समूह कहलाता है। यानी कई शब्द को लेके किसी तरह से कहीं कहीं एक लाइन में लिख देंगे तो वो शब्द समूह होगा, ठीक है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ और आप सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।